हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित गौरव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लेके आया हूँ जो आपके साथ में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं, जिसमें हमारा टारगेट एंड स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन रहता है और इसमें हम लोग 10-15-20% के लिए काम करते हैं। और जैसे ही हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होता है, हम स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा कैपिटल फ्री हो जाता है और हम दूसरे स्टॉक में निवेश करने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ में जो स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, वो पहले मैं आपको उन सारे स्टॉक का नाम बताता हूँ, फिर उसके बाद में मैं उसको लेवल भी आपको आपके साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, पहला स्टॉक है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड, एंड दूसरा स्टॉक है बंधन बैंक लिमिटेड, एंड तीसरा स्टॉक है इक्विटास होल्डिंग, एंड चौथा स्टॉक है दोस्तों जिंदाल साल लिमिटेड। तो ये चार स्टॉक हैं जिसमें हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए इनको सिलेक्ट किया है। और उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं इसके लेवल्स भी आपको बताता हूँ कि कहाँ पे इसको बाई करना है, कहाँ और कहाँ पे स्टॉप लगाना है और टारगेट हमारा कितना रहेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ में। और दोस्तों, जो मैंने आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने वीडियो वगैरह पोस्ट की थी, तो उसमें आप देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस, आप उनको चेकआउट कीजिए प्लीज़, और उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। आप देखिए, जो मैंने बजाज होल्डिंग का कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था स्टॉक लगभग वहाँ से लगभग 10-11% अप हो चुका है। तो इसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसमें, इसको प्लीज़ आप मिस मत कीजिए, अभी बहुत ही अच्छा मौका है आपको रिटर्न बनाने का। उसके बाद में देखिए आईएफबी इंडस्ट्री, जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था 400 का लेवल जब क्रॉस नहीं किया था, स्टॉक नीचे चला गया था, लेकिन जैसे ही इसने 400 का लेवल स्टॉक ने मतलब 400 का लेवल जब इसको क्रॉस किया, उसके बाद में देखिए कितना अच्छा मूवमेंट उसमें आया और इसमें जो पहला टारगेट है वो भी अचीव हो गया। उसमें आप चेक कर सकते हैं, आईएफबी को 400 के ऊपर बाई करना था और देखिए 430 का टारगेट इसमें आज आ चुका है। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे सेफ टारगेट जो है वो निकल चुका है। तो दोस्तों प्लीज़ आप इसको चेकआउट कीजिए। टाटा पावर मैंने 30 पर सजेस्ट किया था, आज 42 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसमें लगभग 40% का रिटर्न आपको मिल गया है टाटा पावर में। आप ये यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए मैंने किस डेट में आपको दिया था, हाँ 13 मई को मैंने ये स्टॉक आपको टाटा पावर का सजेस्ट किया था। यहाँ पे देखिए बाई अबव 30 रुपीज़, और इसमें आपको 33 का टारगेट दिया था, वो तो अचीव हो ही गया था कुछ दिनों के अंदर, और आज ये स्टॉक 42 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आई एम श्योर आप लोग बेनिफिट होंगे, आपको जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा यहाँ से। उसके बाद में आप सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड, ये भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, इसमें आप देखिए इसमें टॉप 3 म्यूचुअल फंड ने इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी की थी। तो सैली इंजीनियरिंग में भी अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं चार्ट पे। उसके बाद में देखिए जेंसार टेक्नोलॉजी का मैंने वीडियो अपलोड किया था, ये मुझे लग रहा था मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। तो स्टॉक देखिए अभी 2-3 दिन से जो है कंटिन्यूस जो है स्टॉक अप ट्रेंड में है और स्टॉक आज अपर सर्किट पे भी ये ट्रेड हुआ है। तो जेंसार टेक्नोलॉजी, ये सब वीडियो आप चेक कीजिए, जिसमें आपको कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट होगा। देखिए वीडियो, जब तक आप मार्केट में टाइम नहीं देंगे आपको पैसा इतनी आसानी से नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में ही कुछ ना कुछ मेरे हम लोगों के हाथ में लगता है। एंड आप लोग सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सालों साल से लगना पड़ता है, तब जाके कुछ हाथ लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखिए मैंने एक पब्लिक पोल डाला था कि निफ्टी पे आप लोगों का व्यू क्या है, तो इसमें आप लोग बहुत हद तक आप लोग सही निकले हैं, लगभग 70% लोगों का कहना था कि 10,000 तक ये टच करेगा, 10,000 के ऊपर निकलने की कोशिश किया करेगा, और मार्केट लगभग वही उसी डायरेक्शन में चल रही है। तो आप लोग भी काफ़ी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं आई होप। और केसी इंटरनेशनल आप यहाँ पे देखिए, केसी इंटरनेशनल इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको दिया है, इसको भी अभी मैंने रिसेंटली ये वीडियो अपलोड किया था, इसको आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए, ये सारी वीडियो हैं बिल्कुल। इसमें देखिए जॉनसन हिटाची का सारे टारगेट आपके इसमें आ गए हैं। जॉनसन हिटाची आप देखिए, इसमें पहला टारगेट 2450 का था और दूसरा टारगेट 2500 का था, ये दोनों टारगेट कितने कम दिनों में आ गए। अब जॉनसन कंट्रोल, इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी था, तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का आप परफॉर्मेंस रहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए,
और हमारे वीडियोस को प्लीज़ आप प्रमोट कीजिए, ताकि बाकी जो शेयर मार्केट में लॉस उठा रहे हैं उनके पास तक हमारी वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। दोस्तों यहाँ पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पे तो नहीं करना पड़ रहा है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए कि जिनको लॉस हो रहा है, मार्केट में लॉस कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से लॉस में बैठे हुए हैं, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। आपका कुछ नहीं लग रहा है, आपको बस शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, टेलीग्राम पे शेयर करना है, बाकी जो आपके रिलेटिव हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में शेयर कीजिए। क्या प्रॉब्लम है, कम से कम उनको बेनिफिट हो सके। इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, एक लोगों के लिए अगर हम पोस्ट करेंगे तो भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है, अगर 10 लोगों के लिए पोस्ट करेंगे तो भी उनके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, स्प्रेड आउट कीजिए ना इन वीडियोज़ को। प्लीज़ आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप कुछ तो हमारे लिए कीजिए प्लीज़। तो चलिए हो गया बहुत ज़्यादा, अब हम आज के स्टॉक भी आपके साथ में शेयर करते हैं। बहुत शाम से मैं लगा हूँ दोस्तों, 5 बजे से लगा हुआ हूँ और अब 11-12 बजने जा रहे हैं, अब मैं आपके लिए स्टॉक लेके आ पाया हूँ। तो इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे लिए कुछ तो हेल्प कीजिए। हाँ चलो कोई नहीं, आप लोगों को लगेगा तो आप ज़रूर करेंगे। आज के स्टॉक क्या है उनके लेवल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज का पहला स्टॉक है एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड। इसको आप, इसमें बाई बनता है 97.5550 के ऊपर, इसमें बाई बनता है। इसमें स्टॉप लॉस आपका 90 का रहेगा, इसमें टारगेट 102 एंड 110 के टारगेट आपके रहेंगे। और शॉर्ट टर्म व्यू है इस पर हमारा, बहुत ज़्यादा लंबा व्यू नहीं है, शॉर्ट टर्म व्यू है इस पर हमारा। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टॉक है बंधन बैंक, इसमें बाई बनता है 245 के ऊपर, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 225 का। टारगेट इसमें रह सकता है आपको 265 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं, बट ये थोड़ा फ्यूचर का स्टॉक है, लिटिल रिस्की है यहाँ पे, तो इसमें आप देख लीजिए, आपको बहुत ही कम रिस्क लगेगा अगर काम करना चाहते तो मैं काम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर देते हैं, वॉच लिस्ट में लगाइए इसको, फिर सिर्फ अपना चेक कर सकते हैं। बाकी और भी स्टॉक हैं, इन पे आप ट्रेड ले सकते हैं। इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड, इसमें आपको 48.50 के ऊपर बाई बनता है, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 44 का, टारगेट्स में 56 एंड 62 तक के टारगेट आ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों चौथा स्टॉक है जिंदाल साल लिमिटेड, इसमें बाई 53 के ऊपर बनता है और स्टॉप लॉस इसमें 49 का रहेगा, टारगेट रहेगा 58 का एंड 61 का टारगेट इसमें रहेंगे, दो टारगेट हैं। उसके बाद में पाँचवा स्टॉक बोनस स्टॉक है, इस पर TCNS क्लोदिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें आपका बाई बनता है 380 के ऊपर, इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 350 का एंड इसमें टारगेट रहेगा दोस्तों 430 का, इसमें टारगेट रहेगा, शॉर्ट टर्म व्यू है हमारा इस पे। तो ये दोस्तों 5 स्टॉक हैं, इनको अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि मनी मैनेजमेंट जरूर कीजिए, विदाउट मनी मैनेजमेंट आप शेयर मार्केट में अच्छी तरीके से आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट कीजिए और हर एक पर्टिकुलर भाग जो है हर एक स्टॉक में ट्रेड करने के लगाइए, और जैसे उसमें टारगेट आ जाता है स्टॉक से बाहर हो जाइए, कैपिटल अपना फ्री रखिए। मार्केट में जितना ज़्यादा पैसा आपके पास रहेगा, कैश में रहेगा, उतना ज़्यादा आप पैसा आप मार्केट से बना सकते हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिए, और गोल्डन पॉइंट्स हैं आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगे ऐसी बातें, हम आप लोगों के लिए बेनिफिट के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ पूछिए हमें, कमेंट में पूछिए, हम उसको आपको सोल्यूशन देंगे। हम आप इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही करते हैं, आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही करते हैं। तो प्लीज़ कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, कोई भी इम्प्रूवमेंट है, आप प्लीज़ कमेंट में टाइप कीजिए, हम उसका जवाब देंगे, उस पर काम करेंगे। तो दोस्तों हमारी ये चैनल तो है ही, ये दावे आप ग्रोथ के नाम से, इसको प्रमोट कीजिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, 5 स्टॉक आपके साथ में शेयर किए हैं, इनको वॉच लिस्ट में लगाइए, और कैसे ट्रेड करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद में आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको वॉच लिस्ट में लगाइए और इसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रिसर्च के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, थैंक यू वेरी मच।